नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ मणिपुर की घटना पर दुख जताया और चिंता जाहिर की, दूसरी तरफ उन्होंने मानसून सत्र में पेश होने वाले विधायकों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम जनमानस की बेहतर के लिए और कई पुराने कानून को खत्म करने के साथ साथ समय की मांग के अनुसार नए कानून भी बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बिल पास करेगी। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। बिल के मुताबिक भारत के विश्वविद्यालय, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास की गति को और तेजी देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं देश के अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय स्थापित किया जाना है। सरकार ने इसे शीर्ष निकाय की स्थापना के लिए अगले 5 वर्षों यानी कि 2023 से 2028 के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री इस निकाय के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री और निकाय के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। NRF का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसकी गवर्निंग बॉडी में 20 से 25 शोधकर्ता भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शिक्षा उद्योग और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। इसके अलावा राज्य सरकारों की भागीदारी का एक इंटरफेस तैयार करेगा। ये अनुसंधान से संबंधित नीतिगत ढांचा बनाने का और नियत क्रम प्रक्रिया बनाने में भी सहायक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।